हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडीज किचन। मैं आनंदिता दत्ता एडीज किचन से आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और झटपट बन जाने वाली स्वीट रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाना इजी तो है ही, साथ ही खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए एक प्लेट में नारियल का बुरादा लिया है, सूखा नारियल है ये, साथ ही इलायची का पाउडर लिया है। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच कंडेंस मिल्क देंगे। एक बार में पूरा कंडेंस मिल्क नहीं देना है, थोड़ा सा देंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर यूज किया है। आप चाहे तो ऑरेंज फूड कलर की जगह कोई और फूड कलर भी यूज कर सकते हो। इन सबको मिक्स करके एक डो तैयार कर लेंगे। अब हम इस डो से थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकाल के इस तरह से हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। फिलिंग तैयार हो जाने के बाद हम इसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम मिठाई के आउटर पार्ट को बना लेंगे। तो आउटर पार्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर से बना हुआ होममेड खोया यूज किया है। इस खोए की रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, आप चाहे तो उसे देख के इसे बना सकते हो। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर देंगे। अगर चीनी आप कम खाते हो तो आप इसमें थोड़ा कम चीनी भी ऐड कर सकते हो। इन सबको बहुत अच्छी तरह हमें मिक्स करके एक डो तैयार कर लेना है। अगर ये डो आपके हाथ में चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा घी भी दे सकते हो। डो तैयार हो जाने के बाद हम हाथ में थोड़ा घी लगा के हाथ को थोड़ा चिकना कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मिठाई के ऊपर कोटिंग करने के लिए ग्रेटेड कोकोनट लिया है। अब हम एक पेड़े के साइज की लोई निकाल लेंगे डो से और इसे उंगलियों के हेल्प से गोल गोल कर लेंगे। अब इसके बीच में हमें फिलिंग दे देना है और इसे हर तरफ से कवर कर लेना है। अब हम नारियल की कोटिंग कर लेंगे ऊपर से। बीच में हम चाहे तो ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। यहाँ पे मैं पिस्ते का यूज कर रही हूँ ऊपर देने के लिए। ये देखिए, ये तैयार हो चुका है। अब इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। हथेली की हेल्प से हम इस तरह से इसे पतला करेंगे और फिर इसे हर तरफ से हम कवर कर लेंगे। सिर्फ हमें ऊपर से इसे कवर नहीं करना है, इस तरह से हमें रोल कर लेना है इसे, जिससे कि ये पीछे से बराबर हो जाए। अब नारियल की कोटिंग कर लेंगे और ऊपर से ड्राई फ्रूट दे देंगे। ये मिठाई बनाना बहुत इजी है और आपके गेस्ट जब भी अचानक से आ जाए तो आप इस मिठाई को बना के सर्व कर सकते हो। अगर आप इसे बनाने के लिए मार्केट का रेडीमेड खोया यूज कर रहे हो तो खोए को आप थोड़ा 5-10 मिनट कढ़ाई में फ्राई कर लीजिएगा और फिर इस रेसिपी को बनाइएगा। अगर आपको ये स्वीट रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।